दिल्ली के खिलाड़ी मोहित अहलावत ने दो सप्ताह पहले ही एक T20 मैच में 13 शतक लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। अब दिल्ली के ही एक और बल्लेबाज ने T20 में दोहरा शतक जड़ने का कारनामा किया है। शिवम सिंह नाम के बल्लेबाज ने 71 गेंदों का सामना करते हुए 210 रनों की पारी खेली। उनसे पहले मोहित अहलावत ने 72 गेंदों का सामना करते हुए 302 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में स्टैंड बाई के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि जिस ग्राउंड पर मोहित ने ये पारी खेली थी उसकी बाउंड्री सिर्फ 25 गज की थी। मोहित ने 72 गेंदों में 302 नॉट आउट रन बनाए थे, इसमें 14 चौके और 39 छक्के शामिल थे। शिवम सिंह ने ये पारी पिछली 19 फरवरी को दिल्ली के एक स्थानीय क्लब गेम स्टार रॉकेट्स की ओर से खेली थी। शिवम सिंह ने अपनी पारी में 18 चौके और 19 छक्के जड़े। शिवम ने जिस मैदान पर ये पारी खेली उसकी बाउंड्री 65 गज की थी। जवाब में विपक्षी टीम 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। उन्होंने 295 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। मोहित अहलावत और शिवम सिंह की पारियों की तुलना करने पर पता चलता है कि शिवम ने जिस क्रिकेट ग्राउंड पर दोहरा शतकीय पारी खेली है वो एक स्टैंडर्ड क्रिकेट ग्राउंड था। वहीं मोहित अहलावत ने जिस ग्राउंड पर 13 शतक लगाया था उसकी बाउंड्री बहुत छोटी थी। अगर शिवम सिंह ने ये पारी 10 दिन पहले खेली होती तो शायद उन्हें भी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में जगह मिल सकती थी, जहां वो आशीष नेहरा और गौतम गंभीर जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के संपर्क में रहते। NMF न्यूज की रिपोर्ट।